मैं अकेला टूट गई गलती वो प्यार ना दोबार कर दे मैं ना बाकी थो उनके वो प्यार ना दोबार कर दे मैं ना बाकी थो उन तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह मैं आकर तो देखो तड़पने में मेरे ना फिर तुम हंसोगे अभी किसी से दिल लगा कल तो दे कच्ची यारी मेरे यार दिए ताने सारी दुनिया वे मार दिए कच्ची यारी मेरे यार दिए ताने सारी दुनिया वे मार दिए। अनीस जो डीसी साहब है हमारे सईद फखरुद्दीन हामिद साहब वो छोटे छोटे बच्चों को मदद करते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, तो आप उन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? मैं उन तक ये पैगाम चाहता हूँ मेहरबानी कर कर मेरी बात सुनिए कि मेरा भी इतना टैलेंट है जितना किसी बच्चे का नहीं है जितना मेरा टैलेंट है। मुझे अपने दिल में भी आंसू आ रहे हैं। अगर टैलेंट है तो मेरी मदद करो। खुश आमदीद है आप सबका जेके न्यूज पॉइंट के इस खास प्रोग्राम में। वक्तन फवक्तन वादी कश्मीर के हुनरमंद नौजवानों से आपको मुतारिफ कराते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू कराएंगे, एक कम सिन बच्चा है, कम उम्र बच्चा है, लेकिन ये टैलेंट, ये हुनरमंदी हमने जो है जंगलातों के बीच में पाई है। जी हाँ, अशमुकाम के रिश्कलबल इलाके में हम इस वक्त मौजूद है और मेरे साथ मौजूद है अनीस अहमद शाह, पांचवी जमात का तालिब इल्म, जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर लेकिन हुनर इसमें जो है भरपूर मौजूद है। अनीस अहमद शाह सिंगर है, छोटी उम्र से ही इन्होंने गाना शुरू किया है और बड़े बड़े प्लेटफार्म से अभी तक परफॉर्मेंस किया और सुनने वाले सामईन को बहुत ज़्यादा महजूज किया, मुतासर किया। अनीस से बातचीत करेंगे, सफ़र के हवाले से जानेंगे और उसकी ज़ुबान से मिठास आप तक पहुँचाएंगे। अनीस, सबसे पहले आप बताएं अपने हवाले से, कहाँ पे आप रहते हैं, आपके वालदैन क्या कुछ कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे घर के पास आए। हमने जंगल में अपना जो म्यूज़िक है वो हम जंगल में अपना म्यूज़िक बनाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो मेरा मकसद ये है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। अगर पढ़ाई होगी तो फिर सिंगर भी हो बनना है। मैं पांचवी जमात में पढ़ता हूँ। असली मुझे अपनी ज़बान भूल गई, अब मैं कश्मीरी ज़बान बहुत करता हूँ। मगर मुझे जो पैसा है वो कुछ नहीं, ना मुझे हमको ना तनहाई देते हैं ना कुछ। केजबल लेबर को आप पता ही है कि केजबल लेबर सड़कों पे होते हैं, तो मेरा पापा भी केजबल लेबर में है मगर उनको अभी कुछ तनहा नहीं मिली। जब मैं कमज़ोर क्यों हूँ मैं क्योंकि हमारे पास अगर पैसा होता तो हम गाय लाते या फिर दूध पीता मैं, फिर मैं अच्छा बनता। मगर मैं अब हमारे पास दूध नहीं है, मैं तभी कमज़ोर हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है वो जब हमको मुझे देगा, दूध देगा, फिर मैं कमज़ोर कभी नहीं होऊंगा। मैं आगे आगे अपनी जो ये सांग है मैं बढ़ाऊंगा, मैं बाहर चलूंगा और बाजा भी लाऊंगा। मगर ये मेरी उम्मीद है, अगर खुदा ने चाहा तो मैं सिंगर इंशाल्लाह मैं सिंगर बनूंगा और अपना जो टैलेंट है मैं आगे आगे बढ़ाऊंगा। छोटा सा बच्चा है अनीस अहमद शाह, सियासतदानों पर इन्होंने आज तमाचा मार दिया है, कैजुअल लेबर का बच्चा, और इन्होंने कहा कि हमारे घर में गाय नहीं है, मैं कमज़ोर इस वजह से हूँ क्योंकि मैं दूध नहीं पी रहा हूँ और साथ ही साथ मुझे उस तरीके का खाना नहीं मिल रहा है। जो भी मेरी जो ये सॉन्ग है मैंने अपनी चैनल नहीं बनाई, जब मैं खोंदरू गया उन्होंने जो मेरी चैनल बनाकर तो मेरी जो मेरी सॉन्ग है उन्होंने अपने मोबाइल में डालकर जब उनको भेजा, लगभग उनको पता नहीं कितने लाख पैसे आए, तो उन्होंने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया। मैं अपनी यूट्यूब चैनल खुद बनाऊंगा और खुद चढ़ाऊंगा, मगर मेरी आप खुद नहीं चढ़ाना क्योंकि आपने बनाई अपनी चैनल। मैंने बनाई अपनी चैनल, तो थोड़ा थोड़ा पैसे आते हैं
उनका शुक्र है जो मेरे YouTube चैनल Facebook में जो YouTube चैनल है उनको जो मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। क्या है आपके चैनल का नाम ताकि जो हमारे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें? अनीस अहमद शाह म्यूज़िक। अनीस अहमद शाह म्यूज़िक है आपकी चैनल? हाँ, मैं सॉन्ग गाता हूँ तो थोड़ा बीच में म्यूजिक रहना ही पड़ेगा। फिर वो बोलेंगे सॉन्ग गाता है तो फिर वो बोलेंगे कि हाँ ये सॉन्ग गाता है, तभी इसने म्यूजिक अपना म्यूजिक नाम रखा है। तो बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? क्या सिंगर ही बनना है या कुछ और शौक है आपको? मुझे शौक है सिंगर बनना और बाहर जाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे भी वहाँ से फ़ोन आए, उधर से फ़ोन आए मुझे, मगर मैंने पैसे नहीं थे गाय के लिए, नहीं है पैसा हमको, क्योंकि आपको पता है मैंने बोला अभी भी हमको दूध है ना, होता ना होता तो मैं कमज़ोर नहीं होता इस वक्त में, अच्छा होता बना हुआ, मगर मैं तभी नहीं जा सका वहाँ पे, अगर पैसा होता तो मैं। अनीस, जो डीसी साहब है हमारे सैयद फखरुद्दीन हामिद साहब, वो छोटे छोटे बच्चों को मदद करते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, तो आप उन तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? मैं उन तक ये पैगाम चाहता हूँ, मेहरबानी कर कर मेरी बात सुनिए कि मेरा भी इतना टैलेंट है जितना किसी बच्चे का नहीं है, जितना मेरा टैलेंट है। मुझे अपने दिल में भी आंसू आ रहे हैं क्योंकि मुझे इतना पैसा क्यों नहीं आया, मैं इतना गाता हूँ, मैं अपना टैलेंट आगे बढ़ाता हूँ, मगर इतना पैसा क्यों नहीं आया। मैं अपील करता हूँ उससे मेहरबानी कर कर कि मुझे भी कुछ मदद कर दिए, मेरी भी मदद किए, मेरे में भी टैलेंट है, अगर वो चाहता है नहीं है टैलेंट मत दे दिए, मुझे माफ़ करना, अगर मुझे मेरे पर टैलेंट नहीं है, मुझे टैलेंट नहीं है फिर माफ़ करना, अगर टैलेंट है तो मेरी मदद करो। ज़िला के तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद साहब, ये छोटे बच्चे की बातें जो है इसको हमें मामूली से नहीं लेना है, इन बातों को हमें खंगालना है और इस हुनरमंदी को, इस टैलेंट को हमें आगे प्लेटफॉर्म देने हैं। साहब के जो यूसुफ सोफी साहब हैं उसको मैंने भी कहा था किट देंगे, मगर अल्लाह की कसम वो बोलने लगे मैं दूंगा, टेंशन मत ले लो। उससे भी मेरी बात, उससे मुझे दोस्ती हुई है, जब स्कूल में हमारे स्कूल में वो आए थे तो मैंने बोला कि किट दे दो और मुझे थोड़ा पैसा दे दो कि मैं आगे आगे अपनी टैलेंट बनाऊँ। यूसुफ गोसी साहब आए थे। नाज़रीन मोहतरम, आप सुन रहे हो इसकी बातें जो है तेज़ बातें करता है, बुलंद ख्यालातों का मालिक है, कम उम्र बच्चा है, लेकिन मकसद यही है कि इसमें हुनर है और उस हुनर को आगे प्लेटफार्म तक पहुंचाना ये ज़िला इंतज़ामिया का काम है, और इन्होंने डीसी साहब तक पैगाम पहुंचाया कि मेरी मदद होनी चाहिए। अगर इसको सही अल्फाजों में बताना नहीं आया लेकिन डीसी साहब ने समझा होगा, उम्मीद करेंगे कि ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी। अब आप बहुत वक्त से इस इंतज़ार में होगे कि क्या टैलेंट है अनीस अहमद शाह के पास जो ऐसी बातें कर रहा है, अभी तक मदद भी मांग रहा है, लेकिन टैलेंट है तो है क्या? अनीस साहब, आप सुनाए अपनी ज़ुबान से, पहले गोजरी ज़ुबान में क्या कुछ गाते हैं? मेरी अपनी गोजरी ज़ुबान है, मैं गोजरी में भी गाता हूँ, कश्मीरी में भी गाता हूँ, जो कुछ हो मैं मगर गाता हूँ। पहले गोजरी में गाइए। कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया वे मार दिए, कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया वे मार दिए, क्यों दिल तोड़ के झुलना है, दर दर उठे डोला रुलना है, वक्त नानु आजा चन डोला, अल्लाह कर देसी सारे कम डोला, कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया वे मार दिए, दुखियां दा दुख आके बंड डोला, थक गया मैं पहुंचन डोला, दुखियां दी गल तू मन डोला, ना कर दुखियां नु तंग डोला, कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया वे मार दिए, सुख सुख तेला में हो गया, मैं सूखा हूँ तो अपने ही बता रहा हूँ कि मैं सूख गया हूँ, सुख सुख तेला में हो गया, तेरे पीछे पागल हो गया, तेरे को दूर होके रो गया, दुखड़े तू आके सुन डोला, कच्ची यारी मेरे यार दी।
सारी दुनिया वे मार दिए सुखे डोला पत्तर वे सागांदे नाले फुल सुख देने बागांदे आबे दर्दी मिले आके पई पछतांदे दिल लाके कच्ची यारी मेरे यार दिए ताने सारी दुनिया वे मार दिए। बहुत खूब अनीस, कश्मीरी लोग भी हमें देख रहे, तो उनके लिए भी कोई एक, उनको समझ नहीं आ रही होगी जो मैंने अभी गाया, आपको भी नहीं समझ आ रही होगी तो, मगर मैं आप कश्मीरी सॉन्ग गाता हूँ। जो ये सॉन्ग मैंने गाया, जो ये बोली, जो ये बात करते हैं गुजरी बात, वो उनको समझ आएगी। अब जो कश्मीरी जो सॉन्ग गाऊंगा, जो कश्मीरी बात करते हैं उनको समझ आएगी। मैं अकेलट गई गलती, मैं अकेलट गई गलती, मैं अकेलट गई गलती, मैं अकेलट गई गलती, वो प्यार ना दोबार कर दे मैंने बाकी थो उनके, वो प्यार ना दोबार कर दे मैंने बाकी थो उनके, मैं अकेलट गई गलती, वो प्यार ना दोबार कर दे मैंने बाकी थो उनके, एक भी पन्न सपान सोशम यथ गसा बर्बाद, भी पन्न सपान सोशम यथ गसा बर्बाद, स्वती वंत बदनामनी, स्वती वंत बदनामनी, मैं आके लट गई गलती, मैं आके लट गई गलती, वो प्यार ना दोबार कर दे मैंने बाकी थो उनके, वो प्यार ना दोबार कर दे मैंने बाकी थो उनके, अपनों ने लूटा गहरों में क्या दम था, जहां मेरी किश्ती डूबी वहां पानी कम था। अनीस, गोजरों ने भी सुना, कश्मीरियों ने भी सुना, लेकिन हमारी चैनल पे जो है बाहर वाले लोग भी है, बीरों रियासतों से लोग है, उर्दू में कुछ हो जाए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। ये तारिक परदेसी साहब ने भी गाया है, मैंने उससे से सीखा, जो वो तर्ज गाते हैं वो तर्ज मैं भी गाऊंगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो, तड़पने में मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने में मेरे ना फिर तुम हंसोगे, अभी किसी से दिल लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आ कर तो देखो। नाज़रीन मोहतरम, आपने ये एपिसोड देखा है, आपको लगा होगा कि अनीस अहमद शाह जिस कदर गाते हैं तो ये नामुमकिन बात नहीं है। 5 साल के बाद यही अनीस अहमद शाह जो जंगलों में गाता है, ये इंडियन आइडल के स्टेज पे भी गा सकता है। लेकिन उस हवाले से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात करें, उन्हें आगे आना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना चाहिए, अनीस को ज़्यादा मदद करना चाहिए। ज़िला के तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद साहब, आपने भी देखा होगा, एक कवाली भी सुना हुआ है। एक मिनट, सैयद फखरुद्दीन हामिद साहब आपने भी देखा होगा, उम्मीद करेंगे कि आपने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा इस रिपोर्ट को। लेकिन ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, एक इनके लिए अप्रिसिएशन होनी चाहिए, तभी जाकर ये अपने टैलेंट को जो है बरकरार रखेंगे और ये आगे प्लेटफॉर्म्स पे पहुँचेंगे। कुछ कवाली सुनाना चाहते हैं अनीस अहमद शाह, वो सुनते हैं। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यू बन सब के सामने आया न कीजिए, काली का
काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो आ हुस्न वालो, आ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए, न छेड़ो हमें हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, वागाज हो तुम सितम खाने वाले, बड़े बेमुहब्बत में उलझन वाले, ये रंगी कहानी तुम्हें का मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हें का मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। नाज़रीन मोहतरम, इस छोटे से बच्चे का हुनर आपको पसंद आया होगा। फिलहाल आप बने रहे जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।